विनेश फोगाट को ओवरवेट के चलते पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, लेकिन अब उनके डिस्क्वालिफिकेशन पर तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा चल पड़ी है कि इस डिस्क्वालिफिकेशन के पीछे कोई साजिश हो सकती है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे घटनाक्रम पर ट्वीट करते हुए निराशा जताई और लिखा, विनेश यू आर अ चैंपियन अमंग चैंपियंस, यू आर इंडियाज प्राइड एंड एन इंस्पिरेशन फॉर ईच एंड एवरी इंडियन। टुडेज सेटबैक हर्ट्स, आई विश वर्ड्स कुड एक्सप्रेस द सेंस ऑफ डिस्पेयर दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग। एट द सेम टाइम आई नो दैट यू एपिटोमाइज रिसाइलेंस, इट हैज ऑलवेज बीन योर नेचर टू टेक चैलेंजेस हेड ऑन, कम बैक स्ट्रॉन्गर, वी आर ऑल रूटिंग फॉर यू। वहीं विनेश के ताऊ महावीर फोगाट इस घटना के बाद भावुक हो गए और मीडिया से बात करते हुए उनका गला भराया। वहीं अगर बात करें नेताओं की, तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस घटना पर ट्वीट करते हुए लिखा है, ये विनेश का नहीं देश का अपमान है। विनेश फोगाट पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी, उनको 100 ग्राम ओवरवेट दिखाकर अयोग्य घोषित करना घोर अन्याय है। पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है, भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे, अगर बात न मानी जाए तो ओलंपिक का बहिष्कार करे। वहीं अगर बात करें हरियाणा के नेताओं की, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सुरजेवाला ने इस पूरे डिस्क्वालिफिकेशन के पीछे साजिश की ओर इशारा किया है और वो कई सवाल उन्होंने अपने ट्वीट में पूछे हैं और वो कह रहे हैं कि हरियाणा की इस बेटी से किसको नफरत है। बात करें बॉक्सर विजेंद्र सिंह की, तो उन्होंने भी इंडिया टुडे से बातचीत में इस डिस्क्वालिफिकेशन के पीछे किसी गहरी साजिश का शक जताया है। आगे बढ़ने से पहले आप सुनिए कि बॉक्सर विजेंद्र ने क्या कहा है। देखिए, बहुत बड़ा षड्यंत्र है हिंदुस्तान के खिलाफ, हमारे पहलवानों के खिलाफ, और जिस लड़की ने इसने इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो काबिले तारीफ है, और लेकिन कई लोगों को ये खुशी हजम नहीं हुई शायद। और हम लोग कहते कि एक रात में 5-6 kg वेट कम कर सकते हैं, तो हमारे लिए 100 ग्राम करना कौन सी बड़ी बात है। तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं इसमें किसी को प्रॉब्लम हुई है और वो इसके नतीजे खुश नहीं थी शायद, इस तरह का इसलिए स्टेप उठा गया कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया 100 ग्राम के लिए। आई थिंक उनको एक टाइम मिलना चाहिए था, एक मौका मिलना चाहिए था कि अगर वो उसको एक मिलता, जैसे हमारा 100 ग्राम या 200 या आधा किलो है, तो हमें एक टाइम मिलता है 1 घंटे का कि इसमें आप कम करके आइए, तो उसको ये मौका मिलता तो एक बहुत बड़ी एक कहते कि ये आप क्यों बोलते हो कि षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है, ऐसा क्यों बोलते हो? ऐसा नहीं होता, हमने कभी नहीं देखा। अभी हिंदुस्तान, हमने 3 ओलंपिक पार्टिसिपेट किया, कभी किसी एथलीट के साथ ऐसा नहीं हुआ। वही अगर बात बृजभूषण खेमे की करें, तो यहाँ से सबसे पहले उनके बेटे करण भूषण की प्रतिक्रिया सामने आई है। करण ने इस घटना को देश का नुकसान बताया है। अगर ऐसा हुआ है तो देश का नुकसान हुआ। बहरहाल अब चर्चाएं जो भी हो, लेकिन ये साफ है कि विनेश का पेरिस में मेडल लाने का सपना टूट चुका है और इस डिस्क्वालिफिकेशन से न सिर्फ विनेश बल्कि पूरा देश निराश है। आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।